Welcome to Radisson Root Online Classes by Radisson The School, Jewar. Good morning, student. I am Parul Yadav, teacher of class 2nd, Radisson The School. Student, kal humne part 1, Bhasha aur Vyakaran ka ye chapter read kiya aur samjha. Isme humne aapko notebook mein likhne ke liye paribhasha, bhasha ke roop, ye sara kuch work diya. Aap logon ne ye अपनी नोटबुक में किया है. ओके, आज मैं आपको इसके कुछ क्वेश्चन आंसर आपको आपकी नोटबुक में करने के लिए दे रही हूँ. आपको क्या करना है, फर्स्टली आपको आपकी नोटबुक में डेट मेंशन करनी है, 13/4/2020, पाठ का नाम, फिर यहाँ पे भाषा और व्याकरण, प्रश्न उत्तर और क्लास वर्क. और जो क्वेश्चन आंसर मैं आपको लिखने के लिए दे रही हूँ वो इस तरह से है, पाठ का नाम के भाषा किसे कहते हैं, किसे कहते हैं भाषा. उत्तर, भाषा वह है जिसके द्वारा हम एक दूसरे के विचारों को समझते हैं. भाषा वह है जिसके द्वारा हम एक दूसरे के विचारों को समझते हैं. खे, भाषा के कितने रूप होते हैं और उनके नाम लिखिए. भाषा के कितने रूप होते हैं और उनके नाम लिखना है. जैसे यहाँ पे उत्तर, भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित. लेकिन बुक में सांकेतिक भाषा भी दिया हुआ था, लेकिन व्याकरण में सांकेतिक भाषा का अध्ययन नहीं होता है, इसलिए भाषा के दो रूप होते हैं. गे, मौखिक भाषा किसे कहते हैं. उत्तर, मुख से बोली जाने वाली भाषा को मौखिक भाषा कहते हैं. मुख से बोली जाने वाली भाषा को मौखिक भाषा कहते हैं. घ, लिखित भाषा से आप क्या समझते हैं. लिखित भाषा से आप क्या समझते हैं. उत्तर, लिखकर बताई जाने वाली बातों को लिखित भाषा कहते हैं. जो चीज़ें हम लिखकर बताते हैं या पढ़कर समझते हैं उनको क्या कहते हैं, लिखित भाषा. ड, भारत की कोई 5 भाषाएँ लिखिए. उत्तर, नंबर 1 पे हिंदी, अंग्रेज़ी, पंजाबी, उर्दू और मराठी, ये आपकी 5 भाषाएं हैं. चे, हमारी राष्ट्रीय भाषा कौन सी है. हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी है. छे, सही कथन पर सही तथा गलत पर गलत लिखिए. आपको यहाँ पे इस पे सही पर राइट करना है और गलत पर क्रॉस करना है. तो आप खुद समझिए कि कौन सा कथन सत्य है. पढ़िए, मुख से बोले जाने वाली भाषा मौखिक भाषा है. जो मुख से बोली जाती है वो मौखिक भाषा है, ये सही है, इसको सही करिए. नंबर 2, पंजाबी हमारी राष्ट्रभाषा है. नहीं, पंजाबी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, तो ये रॉन्ग है. 3, लिखित भाषा को पढ़ा जा सकता है. राइट, लिखित भाषा को पढ़ा जा सकता है. 4, व्याकरण से भाषा का शुद्ध रूप समझा जा सकता है. हाँ, व्याकरण से भाषा का शुद्ध रूप ही समझा जाता है. थैंक यू क्लास.